नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि अपने शेयर होल्डर के शेयर को 40 टाइम्स करने जा रहा है। एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल का वक्त भी नहीं हुआ, अगर किसी ने 1000 शेयर बाय किया तो उसका 1000 शेयर 40,000 शेयर होने वाला है मात्र एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर आपने सुना है कभी कि 1000 शेयर आपने बाय किया वो 40,000 शेयर हो गया, और आपने जिस प्राइस पर शेयर को बाय किया सिर्फ वो प्राइस ही आ जाए फिर से रिकवर होकर के शेयर। मतलब आपने 200 रुपये पर शेयर को बाय किया सिर्फ वो 200 रुपये में फिर से आ जाए बोनस और स्प्लिट होने के बाद 4000% का रिटर्न। 10 ईयर्स का टाइम लगता है 4000% का रिटर्न प्राप्त करने में। तो दोस्तों वो शेयर है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसका शेयर का प्राइस है 28.40 रुपीज़। लेकिन चौंकिएगा मत, ये शेयर का प्राइस एक्चुअल में 200 रुपीज़ था स्प्लिट होने से पहले। तो ये शेयर ने अप्रैल महीने में स्प्लिट किया अपने शेयर को 10 रुपीज़ फेस वैल्यू से 1 रुपीज़ में। तो इसका जो शेयर होल्डर था उसके 1000 शेयर को बना दिया 10,000 शेयर। 1000 शेयर को कितना बना दिया? 10,000 शेयर बना दिया। और अब ये बोनस शेयर देने जा रहा है 3:1 के रेशियो में। अब मात्र 28 रुपीज़ का शेयर, आप कहिएगा इतना बड़ा बोनस का रेशियो 3:1, मतलब एक शेयर आपके पास है 3 शेयर फ्री में ले जाइए। जिसके पास 10,000 शेयर है तो 3,000 शेयर फ्री में ले जाइए, तो 40,000 शेयर उसके पास हो गया। तो 40,000 शेयर हो गया, तो अब ये शेयर का प्राइस अगर यहाँ से चलता है बोनस के बाद फिर से 200 चला जाता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे शेयर का प्राइस निर्भर करता। अब तो ये पैनी शेयर हो जाएगा स्प्लिट होने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर का इसमें डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई वहाँ से कम होगा, सप्लाई कम होगा तो इस शेयर का प्राइस फिर से बढ़ेगा। जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जो पहले से इन्वेस्टेड है, जो 1000 शेयर मात्र बाय किया था उसके पास है 40,000 शेयर। 1 रुपया शेयर का प्राइस बढ़ा तो उसका कितना बढ़ेगा? 40,000 रुपया एक बार में 40,000। 2 रुपया इसका रेट बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा 80,000 रुपया। 2 रुपया शेयर का प्राइस बढ़ने से कितना बढ़ेगा उसका वेल्थ? 80,000 रुपया। अगर 3 रुपया बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा? 1,20,000 रुपया। तो दोस्तों ये होता है बोनस शेयर का मैजिक। अगर आपने बोनस शेयर को मैजिक को नहीं जाना है, आपने सिर्फ ट्रेडिंग के मैजिक को जाना है कि ट्रेड करने से डेली प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों बोनस शेयर के मैजिक को जानिए। जब लंबे टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं और कंपनी बोनस आपको देती है तो वो बोनस आपको ट्रेडिंग से जितना आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे उससे कई गुना मतलब कई टाइम्स कही बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स कहिए 40 टाइम्स कहिए ये क्रिएट करता है आपके वेल्थ को बोनस शेयर। तो दोस्तों ये होता है बोनस शेयर का मैजिक। यहाँ पर देखते हैं 170 रुपया मात्र दाम था जब यहाँ पर कोई 1000 शेयर बाय किया होगा। अब यहाँ पर जब गया वो देखते हैं 250 रुपया, तो वहाँ से फिर शेयर में करेक्शन आया, वहाँ पर कंपनी ने बोनस स्प्लिट का जैसे अनाउंस किया फिर से शेयर का प्राइस रिकवर कर गया, और स्प्लिट होने के बाद शेयर क्या हो गया? काफ़ी चीप वैल्यू पर हो गया। तो यहाँ से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा रिटेल इन्वेस्टर में। तो फिर से शेयर का प्राइस देखिए यहाँ से 19 रुपीज़ से डायरेक्ट आ गया 31.55 रुपीज़। वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन इसमें आया, लेकिन जैसे बोनस अनाउंस हुआ फिर से इसमें अपर सर्किट। अभी आप देखिएगा जब से बोनस इसमें अनाउंस हुआ है तब से लगातार अपर सर्किट है। देखते हैं 21% का तेज़ी मात्र कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों ये है बोनस शेयर का मैजिक। तो बोनस शेयर के मैजिक को अगर आप हमारे चैनल पर रहते हुए नहीं सीखें तो फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाला है बोनस शेयर के मैजिक को सीखने में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इस कंपनी के बारे में भी बताएंगे, ये कंपनी क्या करती है, क्यों इसका प्राइस जो है 200 रुपीज़ था। एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप हम बोल रहे थे, माइक्रो कैप कंपनी है। और इसका देख सकते हैं इसका जो शेयर का प्राइस है कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पर। जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है माधव कॉर्प, मतलब ये माधव ग्रुप की कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्या करती है, रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, सोलर एनर्जी का काम करती है। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप काफ़ी चीज़ें कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को प्ले करके, यूट्यूब पर वीडियो है, आप इस ग्रुप के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉच द वीडियो टू नो अबाउट आवर 10 मेगावाट सोलर पावर
प्रोजेक्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टफोलियो है कंपनी का माधव ग्रुप अंडर इट्स सोलर रूफ टॉप वर्टिकल्स एम आई सोलर। यहाँ पर पूरा आप मतलब पढ़ सकते हैं, इलाकली कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तो इन सारे स्टेट्स में इसका बिजनेस है। ऐसे भी आप जान सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, वो भी सोलर एनर्जी की कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है, ये कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही है, प्रॉफिट आपको दिखा रही है अपने सेल्स में, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी लॉस में है। उसके बाद कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है 400, और ये भी कंपनी का शेयर का प्राइस अभी कितना रहता है 300। तो समझ सकते हैं इस सेक्टर की जो भी कंपनी है काफ़ी ज़्यादा उसके शेयर प्राइस में मूवमेंटम देखने मिलता है, क्योंकि लोग आगे क्यों देखता है, शेयर मार्केट जो आगे देखता है आगे आने वाला में, मतलब आगे आने वाले समय में इस सेक्टर की कंपनी का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है, इस सेक्टर की कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाला है, तो ये देखते हुए शेयर के प्राइस में काफ़ी मूवमेंटम देखने मिलता है। तो चलिए अब हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल बेहतरीन है, बस एक दिक्कत है जो कि अदानी ग्रीन के साथ भी है और इस कंपनी के साथ, कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो दोस्तों हम आज के मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर सबसे पहले वैल्यूएशन देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी का वैल्यूएशन 181 करोड़, देखते हैं कितनी माइक्रो कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी। अब ये इसका प्राइस देखिएगा बुक वैल्यू के दोगुने पर, मतलब बुक वैल्यू के दोगुने पर प्राइस है कंपनी का, और अर्निंग पर से देखें 92 पैसा है कंपनी का। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो 30 जुलाई को आया। अब यहाँ पर डिविडेंड पर जाकर देख लीजिए, बोनस देख लीजिए, तो डिविडेंड तो नहीं देती कंपनी, बोनस यहाँ पर देख लीजिए 3:1 का रेशियो। 6 अगस्त को इसका एक्स बोनस डेट है, तो 6 अगस्त को इसका एक्स बोनस डेट है, तो याद रखिएगा 6 अगस्त से पहले आपको बाय करना पड़ेगा, तब आप बोनस ले सकते हैं। लेकिन जस्ट एक्स बोनस के पहले बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको बाय करना है तो अभी बाय करते हैं, और कंपनी का शेयर का प्राइस मूवमेंटम दिखाता है तो आपको बोनस का फ़ायदा होगा, मतलब जो 4 दिन बचा है बीच में लगातार अपर सर्किट में रहता है तब आपको फ़ायदा है, नहीं तो बोनस के पहले बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शेयर का प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाएगा। उसके बाद स्प्लिट देख लीजिए, 27 अप्रैल 2020 देख सकते हैं, मतलब एक साल भी नहीं हुआ कंपनी ने 1,000 शेयर को 40,000 बना दिया। बस दिक्कत क्या है, कंपनी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, कंपनी का शेयर का प्राइस मोमेंटम दिखाएगा, जैसे मोमेंटम दिखाता है आपका रिटर्न जो है 1 रुपया के बढ़ने से एक बार में 40,000 रुपया बढ़ेगा, जो भी इन्वेस्टेड है पहले से, जो भी स्प्लिट होने से पहले से इन्वेस्टेड है, 1 रुपया शेयर का प्राइस बढ़ने से उनका वेल्थ जो है 40,000 रुपया से बढ़ेगा। बस एक बार कंपनी का शेयर 200 रुपया आ गया तो फिर वो जो है उनका 1,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 40,00,000। तो दोस्तों इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न। प्रमोटर्स का देख सकते हैं, प्रमोटर्स के पास जो एकदम देखते थे, प्रमोटर्स का स्टेक जो है कांस्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी 2017 यहाँ दिसंबर, ये 2 क्वार्टर से यहाँ पर रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, तो जाके BSE पर देखना पड़ेगा, BSE इंडिया के वेबसाइट पर। कंपनी लगातार प्रॉफिट मेक की है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्रीज है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी के बैलेंस शीट पे देखते हैं तो कब तक का है, यहाँ पे भी मार्च तक का ही, मार्च 19 तक का ही है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्च 19 तक का ही कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं 78,000 करोड़ का है, तो जबकि मार्च 19 में ही था, 20 में और रिजर्व बढ़ा होगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही है, तो 78,000 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है 225 करोड़ का, तो अब जो है कंपनी के पास 2020 में कितना डेप्ट हुआ ये देखना पड़ेगा। यही छोटी छोटी कंपनियों का इन्फॉर्मेशन बहुत कम उपलब्ध होता है, यही दिक्कत होता है। आप यहाँ पर नीचे चलिए, कैश और बैंक बैलेंस देखिएगा तो ये भी 38 करोड़ का है, कंपनी के पास हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। अगर कंपनी के ऊपर 200 करोड़ का डेप्ट है तो 100 करोड़ तो कंपनी के पास कैश और रिजर्व भी है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। बुक वैल्यू देखते हैं काफ़ी बिल्डअप हुआ है, मतलब एसर्ट भी कंपनी का बढ़ा है, आप एसर्ट जा करके यहाँ भी देखते हैं। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिएगा बढ़ा था, 2019 में थोड़ा कम हुआ था,
फिर यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतर होते जा रहा था, लेकिन 2019 फाइनेंशियल ईयर में कम हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ये भी काफ़ी बढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा कम। रिटर्न ऑन एसेट ये भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से कम। तो सब चीज़ सारे पैरामीटर्स ठीक होते जा रहे थे, लेकिन 20 का डाटा ही उपलब्ध नहीं है। आप करेंट रेशियो देखिएगा, मतलब एसेट बटे लाइबिलिटीज़, तो एसेट काफ़ी बड़ा है कंपनी का, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के पास एसेट बढ़ रहा है तो कंपनी एक्सपेंशन पर ध्यान देगी, कंपनी के पास एसेट है तो ये सारे पैरामीटर्स है जो कि कंपनी के बिल्कुल फेवर में है। तो अगर आपको ये कंपनी पसंद आया है तो निश्चित है कि गिरावट वाले मार्केट प्राइस पर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी के बिजनेस को लगातार मॉनिटर करेंगे। अभी रिजल्ट आया है तो रिजल्ट और एनुअल रिपोर्ट जा कर के देखिए, कंपनी का डेप्ट कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, कंपनी का रिजर्व कितना बढ़ा जो कंपनी इतना अधिक बोनस दे रही है। कंपनी जो बोनस दे रही है किस लिए? अपने रिजर्व को अपने एक्सपेंशन में यूज करने, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। ये बात याद रखिएगा, बोनस कंपनी इसीलिए लाती है ताकि रिजर्व को यूज कर सके। जो रिजर्व यूज करेगा उसी से कंपनी शेयर को डेवलप करता है, जनरेट करता है शेयर को उसी रिजर्व कैश से, और आपको मतलब शेयर होल्डर को वो बोनस शेयर देती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के क्वालिटी शेयर आपको हम खोज करके देते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।